ठीक है ना, आप समझ गए होंगे हम कहाँ डिवाइड की बात कर रहे हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये जो क्वेश्चन आ रहा है वो एग्ज़ाम्स में नहीं आएगा, क्योंकि युगलिड डिवीज़न लेमा का क्वेश्चन है। उसी तरह से आप इस क्वेश्चन में आ जाओ, ये क्वेश्चंस भी आपका बिल्कुल नहीं आएगा, ये भी यूक्लिड डिवीज़न लेमा से रिलेटेड है इसलिए ये भी नहीं आएगा। तो फाइनली अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर के बारे में अगर आप जानकारी रखते हैं तो बन जाएगा। अब 22/7 को मत बोल देना इरेशनल है, क्योंकि पाई इरेशनल नंबर समझते हो। पाई बराबर नहीं होता है 22/7, याद रखना। पाई का ये लगभग वैल्यू होता है, पाई तो इरेशनल नंबर है, और ये 22/7 तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिए हो तो ये रेशनल है, तो ये इरेशनल नंबर नहीं है। अब आ जाओ 3.1416 पे, वो भी नहीं है क्योंकि जानते हो ना ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और सी ऑप्शन पे आ जाओ 3.1416 तो इसका मतलब 3.1416 ये रिपीट कर रहा है। तो जब ये रिपीट करता है तो ये भी क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, जो कि रेशनल नंबर का ही दो पार्ट होता है। आपको मालूम होगा रेशनल नंबर के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। टर्मिनेटिंग में क्या होगा कि कुछ स्थान के बाद वो रुक जाएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा कि जैसे 2.35 है तो 3.5 ऐसे रिपीट करते रहेगा। और ये अगर दोनों में से कोई नहीं हो तो उसे हम लोग इरेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। यानी कि आप ऑप्शन नंबर डी को देखिए ध्यान से, यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा है। 3.14 के बाद 1414 नहीं हो रहा है, बल्कि 114 हो रहा है, फिर 1114 हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये जो रिपीटेशन है सेम नंबर का वो नहीं हो रहा है, अलग अलग है, तो इसीलिए इरेशनल नंबर कहेगी। जब किसी नंबर में क्या था, 1416 रिपीट कर रहा था, और ये 3.1416 बी नंबर ऑप्शन में वो रुक गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इरेशनल नंबर का एग्जांपल हुआ है। ठीक है ना, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है आपका कि पाई इज, सबको मालूम होगा कि इरेशनल नंबर होता है, ठीक है ना, पाई इज इरेशनल नंबर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया गया था, 2.35 के ऊपर बार, तो आप समझ लीजिएगा कि 2.35 के ऊपर बार का मतलब होता है तो 2.35 इसी तरह से वो रिपीट करेगा। तो इस नंबर को क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, है ना, आपको मालूम होगा कि दिस इज़ द रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो आप ये याद रखिएगा कि ये आपका रेशनल नंबर, इंटीजर नहीं है, इरेशनल नंबर नहीं है, और रेशनल नंबर है बस, नॉन ऑफ दिस तो होगा भी नहीं ऐसे भी, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे, इसे देखिए ध्यान से, वो 2.13 है, 113 है, फिर 1113 है, फिर कोई निश्चित रूप से यहाँ पे फिक्स नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। एक बार आपका 13 किया फिर 113 आया, तो फिक्स नंबर थोड़ी रिपीट कर रहा है, अलग अलग कर रहा है, तो यही आपका इरेशनल नंबर होता है। तो इस नंबर को पूछ रहा है कि वो क्या है, तो वो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, इरेशनल नंबर है। ओके, ये आपका हो गया इरेशनल नंबर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग, और वो है हमारा 17। कह रहा है यहाँ पे देखिए, ये जो है नंबर 17 क्वेश्चन नंबर, वो कह रहा है कि 3.24 फिर 6363। तो एक्चुअली 2-4 के बाद 6363 रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, 2-4-6-3 के ऊपर बार, तो जिस पे बार आ गया वो इरेशनल नहीं होता, वो रेशनल होता है, बस उसका नाम हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, है ना, ये रेकरिंग आ गया ना, इसी नंबर को रिपीटेशन होगा, तो ये ऑप्शन हो गया, ठीक है आपका। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इज एक्सप्रेसिबल एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे डिवाइड है, ठीक है ना, यहाँ पे आपका डिवाइड है, 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 ठीक है ना, डिवाइड याद रखिएगा।
तो कह रहा है कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है कि दशमलव के बाद वो ऐसे ना हो, मतलब ऐसे ना हो कि 3535 है, वो ऐसे हो 2.35 ओनली, 7.2 ओनली। तो ये चीज़ को पता करने के लिए जब हमको ऐसे नंबर्स दिए रहते हैं तो इसको पता करने के लिए क्या तरीका होता है कि आपको कटाने के बाद, है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद डिनोमिनेटर में जो होगा वो दो का और पाँच का, दो और पाँच का केवल फैक्टर्स अगर बच जाता है तो वो टर्मिनेटिंग होता है, और दो और पाँच के अलावा बच जाता है तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है कटाने के बाद, है ना। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, सबसे पहले आप जितने भी नंबर्स हैं आपके उसमें देख लो, जैसे ये पहला नंबर 124 है और नीचे उसका 165 है, तो इसको आप ये 165 है ना, तो 165 को क्या लिख सकते हो, कितना से कट जाएगा, पाँच से, तो पाँच गुने कितना लिखोगे, पाँच या पंद्रह, एक और पाँच बचा, पाँच या पंद्रह, यानी कि आप फिर से आप क्या लिखोगे, पाँच गुने तीन गुने ग्यारह, ठीक है ना, 11 3 33 हो गया, पाँच से गुना करोगे तो पाँच या पंद्रह, और पाँच या पंद्रह 116, तो ये आपका हो गया नीचे में। अब ये देखो ऊपर में जो 124 लिखा गया है क्या वो 11 से कट जाएगा क्या, नहीं ना, क्योंकि 11 एकम 11 होता है, और 11 एकम 11 होगा तो बचेगा एक और चार, नहीं कट पाएगा, तो यही ये जो ऑप्शन है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 11 बच रहा है, तीन से भले वो कट जाएगा, 3 चौके 12 और 3 से भी तो नहीं कटेगा ना, 12 नहीं कटेगा, 4 2 6 1 3 से भी नहीं कटेगा, है ना, 3 से भी नहीं कटेगा, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। हमसे पूछा था कि टर्मिनेटिंग कौन होगा, याद रखिएगा ये हमसे टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हुआ आपका। तो अब आते हैं दूसरा नंबर पे, 131/30, तो 30 में क्या होगा, 3 होगा ना, तो 3 क्योंकि 131 है, और नीचे हम 3 गुने 2 गुने 5 लिख सकते हैं, 5 गुने 10 और 3 30, तो ये जो 3 है उसको थोड़ी काट पाएगा ये, क्योंकि 3 और 1 4 1 5 ही ना वो पा रहा है 3 का डिविजिबिलिटी का रूल से, तो ये नहीं कट पाएगा, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब आ जाइए 20/27 पे, और नीचे आपका 625, तो 625 आपको मालूम होगा 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 होता है, तो यही तो ऑप्शन होगा, क्योंकि नीचे फाइनली केवल 5 और केवल 5 है ना, तो हम बताए थे ना कि डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी ना बचे तो उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, तो यही है। और आप डी ऑप्शन में चेक करिएगा तो निश्चित रूप से 2 और 5 के अलावा भी कुछ उसमें बचेगा आफ्टर कटाने के बाद, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 पे, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, ठीक है, कह रहा है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर टर्मिनेटिंग आफ्टर, कह रहा है कि 14 है, 7 5 3 है और डिवाइडेड बाई आपका 1250 है, ये कितने, मतलब डेसिमल के कितने अंकों के बाद ये रिपीट करेगा। उसके पहले एक क्वेश्चन 19 भी है, उसको भी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, छूट रहा था, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 37 अपॉन 2^2 5 टर्मिनेट्स आफ्टर, माने टर्मिनेट का मतलब दशमलव के कितना अंक के बाद वो अब रुक जाएगा, अब वो वही माने कोई नंबर नहीं आएगा, 0 0 आएगा। तो आप इसको क्या कर लो कि ये 37 है, यहाँ पे आपका 2^2 है ना, तो 2 × 2 लिख लो, आई को 5 अवेलेबल है, तो ये 5 × 2 = 10 हो जाएगा। आप क्या कर लो, ये तो हमने वही वाला नंबर लिखे हैं, आप इसमें एक और 5 से गुना कर लो और ऊपर भी 5 से गुना कर लो। आप कहोगे ये क्यों किए सर, तो हम कहेंगे देखो ये 5 × 10 हो गया और ये 2 और 5 मिलके फिर 10 हो गया, तो ये 37 × 5 और डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 100, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई होगा तो 5 × 7 = 35 और 5 × 3 = 15 और 3 × 18 और 2 अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव के कितने अंक के बाद वो रुक गया है, 2 ही अंक के बाद ना रुक गया, तो ये हो जाएगा आफ्टर टू डेसिमल। तो इसका ऑप्शन शायद हम नहीं लिख पाए हैं, तो अगर आप 20 नंबर का ऑप्शन ही अगर इसका ऑप्शन मानते हैं तो आप कौन सा टिक कर दीजिएगा, टू डेसिमल प्लेसेस,
ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, फिर से वापस आ जाते हैं 20 नंबर पे। तो 20 नंबर में भी आप देखिए क्या करेंगे, हम वही कहानी है, 14 है, 7 है, 5 3 है और डिवाइडेड बाई 1250 है। तो 1250 में आप ये देख रहे हैं कि 125 है ना, तो बहुत मज़ा आने वाला है। देखिएगा कॉन्सेप्ट सीखिए कॉन्सेप्ट, और पसंद आए तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा ताकि और लोग भी वीडियोस को देख सकें, है ना, क्योंकि YouTube सर्च में आ जाता है थोड़ा सा आपके केवल लाइक करने से, और आपको लाइक करना चाहिए जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो। और इससे 10 लिख सकते हैं, है ना, इनटू 10, तो 10 तो ठीक है भाई, है ना, 10 तो हमारा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस 5 का क्या करें। तो आपको इस 5 को 10 बनाने के लिए कितना 2 का ज़रूरत है, 1 2 का ज़रूरत है। तो नीचे में आप क्या कर लो, 5 गुने 2 कर लो, फिर एक और 5 गुने 2 कर लो, फिर एक और 5 गुने 2 कर लो, और एक 10 तो पहले से है। और ऊपर भी क्या करना पड़ेगा आपको, 14 7 5 3 में निश्चित रूप से आपको करना पड़ेगा 2 गुने 2 गुने 2, क्योंकि आपने 3 को एक्स्ट्रा 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ यहाँ यहाँ। तो नीचे कितना आएगा आपका, 10 10 10 10, यानी कि एक कितना शून्य, 4 शून्य, है ना, 1 2 1 2 3 और ये 4। तो अब ज़्यादा देखिए कि अगर 4 गो अंक है तो इसमें जब मल्टीप्लाई हो भी जाएगा तो उसके कितने अंकों बाद दशमलव लगेगा, 4। तो 4 अंक के बाद अगर मान लीजिए दशमलव लग जाएगा, ये नंबर नहीं है हमको मालूम है, गुना करने के बाद दूसरा नंबर आएगा, लेकिन जो भी नंबर आएगा उसमें दशमलव तो 4 अंक पहले ही लगेगा, तो 4 अंक के बाद वो रिपीटेशन ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है ना। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसका क्वेश्चन नंबर 21। अब ज़्यादा है नहीं वैसे, कह रहा है कि द नंबर 1.732 इच। अब बहुत लोग को लगता है कि रूट 3 तो इरेशनल नंबर है और इसी का वैल्यू 1.732 होता है, तो वो गलत जानते हैं। रूट 3 का लगभग वैल्यू होता है 1.732, वो एग्जैक्ट नहीं होता है, है ना, और लगभग वैल्यू माना जाता है। तो रूट 3 होता है इरेशनल नंबर, जबकि 1.732 होता है रेशनल नंबर, है ना। तो ये याद रखिएगा कि ये एक रेशनल नंबर है, 1.732 क्या है आपका, रेशनल नंबर है, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहा है ज़रा इसे देखते हैं, कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर द टू पॉजिटिव नंबर सच दैट द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 3, लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए इज 3 एंड द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ बी इज 5, देन द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फिर से एक बार पढ़िए क्वेश्चन को। कह रहा है कि ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ए के बारे में बोला कि वो पॉजिटिव इंटीजर है, बी के भी बारे में वो बोला पॉजिटिव इंटीजर है, और कह रहा है कि सच दैट कि द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए, ए के पास जो प्राइम नंबर का फैक्टर है वो सबसे कम आपका 3 है। अब अगर प्राइम नंबर का सबसे कम फैक्टर 3 है तो अगला प्राइम तो आप 5 आता है, अगला प्राइम आपका 7 आता है, अगला प्राइम आपका 11 आता है, 2 तो नहीं आएगा इसमें। फिर देखिए बी को ज़रा देखते हैं, तो बी में कह रहा है कि द लिस्ट प्राइम फैक्टर, देखिएगा लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ बी इज 5, तो सबसे कम प्राइम फैक्टर इसमें 5 है, उससे ज़्यादा ही प्राइम फैक्टर है, तो 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि इन दोनों नंबर्स में अगर ए में लिस्ट प्राइम फैक्टर 3 है और इसमें लिस्ट प्राइम फैक्टर 5 है, तो जब आप इसे जोड़ेंगे तो इसमें बताइए कि सबसे कम प्राइम फैक्टर क्या होगा, ना द लिस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा। अब जरा आप सोचिए कि क्या ये नंबर कभी भी इवन आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 2 नहीं मौजूद है, और कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि आपके प्राइम नंबर्स में सबसे कम जो इवन नंबर वाला प्राइम है वो 2 आता है, 2 इज़ अ प्राइम नंबर और सबसे कम है और वो इवन है, 2 के बाद इवन प्राइम नंबर तो आएगा नहीं जो इसे इवन बना पाएगा, तो ये इवन नंबर नहीं है, ये भी इवन नंबर नहीं है, यानी कि बोथ जो है आपका ओड नंबर्स हैं। अब ये भी आपका ऑड नंबर, ये भी आपका ऑड नंबर। अब ज़रा सोचिए कि 2 को ऑड को जोड़ने से क्या होता है, 3 और 5 जोड़िएगा तो क्या होगा, 8 होगा पक्का ना, 11 और 13 जोड़ लीजिए,
हमेशा इवेन आएगा, 3 1 4 और 1 1 2 24, कोई भी आप प्राइम नंबर, आप 1 ले लो, आप 5 ले लो, 5 1 6 हो जाएगा, आप 7 ले लो, 9 ले लो, 9 7 16 हो जाएगा। तो अब दो गो ऑड नंबर को अगर आप जोड़ेंगे, सोचिएगा ध्यान से, दो गो ऑड नंबर को आप जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से एक इवन नंबर को वो जनरेट करेगा, और जैसे ही वो इवन नंबर को जनरेट करेगा तो आप कह सकते हैं कि उस इवन नंबर में सबसे लिस्ट प्राइम नंबर 2 मिल जाएगा हमें, क्योंकि तभी तो इवन नंबर आप बोल रहे हो इसे। तो इसीलिए ए प्लस बी में आपका लिस्ट प्राइम जो होगा वो 2 पक्का होगा, क्योंकि वो इवन नंबर बन जाएगा जोड़ने के बाद, ठीक है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रूट टू इज, तो आपको मालूम होगा कि रूट टू एक इरेशनल नंबर होता है, तो बी नंबर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, इसमें थोड़ी सोचना है ना, बी नंबर टिक करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए रूट टू इज़ एन इरेशनल नंबर, इसे टिक के हम टिक कर देंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है, आगे बढ़ जाएंगे। फिर अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 1/√2, तो 1/√2 भी जो होता है आपका इरेशनल नंबर ही होता है ना, 1/√2 भी, मतलब देखो दो मतलब इरेशनल नंबर हो, मतलब इरेशनल नंबर हो और उसका अगर रेसिप्रोकल ले लिया जाए तो वो भी इरेशनल नंबर ही आता है, क्योंकि आप √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, √2/2। तो ये वैसे आप ये भी याद रख सकते हो कि इरेशनल डिवाइडेड बाई रेशनल इरेशनल ही आता है, ठीक है ना, ऑफ कोर्स वो जीरो नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, 2+√2, तो आपको मालूम होगा कि रेशनल नंबर और प्लस इरेशनल नंबर में अगर ये रेशनल नंबर कुछ भी हो जाए, अगर उससे इरेशनल नंबर जोड़ा जाएगा तो फाइनली इरेशनल नंबर ही देता है। तो इस तरह से आपका सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग का ये 25 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, और बात है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 थोड़ा सा खास है, क्यों खास है ज़रा समझिएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द लिस्ट नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाई ऑल द नेचुरल नंबर्स 1 to 10। देखो सबसे पहले 1 है, 2 है, 3 है, डॉट 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 आपका 10 है, ये सारे नंबर से वो नंबर डिवाइड होना चाहिए, जो भी नंबर आपको बताना है छोटा नंबर, तो आपको साफ मालूम होना चाहिए कि वो एलसीएम होता है, क्योंकि एलसीएम ही ऐसा नंबर है जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, जिसमें आप याद करो ना, आप 1/2 लेते हो और 2/5 लेते हो, तो एलसीएम 10 लेते हो तो क्या होता है, एलसीएम जो 10 लेते हो क्या होता है, वो 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, 2 5 10 5 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो एलसीएम जो भी आता है ना आपका, वो एक्चुअल ऐसा नंबर होता है जो पार्टिकुलर, जो पार्टिकुलर चीज़ का एलसीएम आप निकाले हुए हो उससे वो डिवाइड हो जाता है। तो इसीलिए अगर आपसे कभी भी इस क्वेश्चन में पूछे कि आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है, तो आप सॉरी लिस्ट पॉजिटिव नंबर निकालना है जो कि डिविजिबल हो जाए सारे नंबर से, तो आप समझ लीजिए कि आपको एलसीएम निकालना है। तो आप देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे, आपका एक नंबर 1 है, एक नंबर आपका, देखिए आपका नंबर 1 है, 2 है, 3 है, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, फिर आपका 2 × 4 हो गया 5 है, फिर अगला 7 है, फिर अगला 8 को आप 2 का क्यूब लिख सकते हैं, फिर आपका 8 के बाद 9 है तो 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, 3 का स्क्वायर, और अगला जो है आपका जो 10 है उसे आप 2×5 लिख सकते हैं, ठीक है ना, 2×5 लिख सकते हैं। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो सबसे कट जाए, तो सबसे कट जाए मतलब जो सबसे पहले कॉमन है उसे देखो, तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट 2×5 है प्रत्येक नंबर में, याद रखना ये 2×4 8 कॉमन कर लेना यहाँ पे, ठीक है ना, हम अच्छे से लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, देखिए सबसे पहले नंबर में 1 कॉमन है ले लो, दूसरा नंबर 2 है, 3 है, 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 2 है, फिर 2 है 1 बार, पावर 1 है, फिर 2 का पावर 3 है,
तो सब में क्या है, हमको ऐसे नंबर्स को सेलेक्ट करना है जो अधिक बार आए, है ना, जो अधिक बार आए। जैसे 2 का पावर 3 लेंगे तो क्या होगा कि वो 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी, 3 से भी, प्रत्येक नंबर से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो 2 का पावर 3 ले लो, 2 का पावर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। अब आ जाओ 2 का काम हो गया 3 पे, तो 3 में मैक्सिमम कौन है, 3 है यहाँ पे, फिर ये 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे 3 का पावर 1 है 6 में, 3 × 6 में, तो यहाँ से 3 स्क्वायर ले लो इंटू में, ठीक है। अब 3 भी हो गया, 2 तो हो ही चुका था, 5 पे आता है, तो 5 यहाँ एक बार है और यहाँ भी एक बार है, तो केवल एक बार 5 लोगे, फिर एक बार 7 है वो ले लो, बस अब तो कुछ है भी नहीं, है ना। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा, तो यानी कि 2 × 4 × 8, फिर ये 3 × 9 और ये 7 × 5 = 35। तो एक काम करो, इसे तुम 5 × 7 ही रहने दो, और ये क्या कर लो, 8 × 5 = 40 कर लो, और ये 9 × 7 = 63 कर लो। तो ये कितना हो जाएगा, 0 गुना होगा तो, और हो जाएगा आपका 4 × 3 = 12 और 6 × 4 = 24 और 1 = 25, यानी कि 2520, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, 2520। तो फाइनली आपका आंसर यहाँ दिया भी हुआ है, जितने भी क्वेश्चंस आप लिखे हैं उसके आंसर्स को आप मैच करा सकते हैं, ठीक है ना। आप देख लीजिए, यही क्वेश्चंस हैं आपके, तो आएंगे ही नहीं, ये हैं फिर ये हैं फिर ये हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि ये आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अ टाइम विथ मी, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर भी हम लोग शीघ्र ही करेंगे, जो भी 2021 में पूछा जा रहा है। आज इतना ही, थैंक यू।